फरीदाबाद में आज अचानक एक पेंट फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आग लगने के कारणों को कंपनी में हुए शॉर्ट सर्किट को बताया जा रहा है। शॉर्ट सर्किट से निकली एक छोटी सी चिंगारी ने धीरे धीरे इतना बड़ा रूप ले लिया कि कंपनी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई और उसमें रखा लाखों रुपए का माल स्वाहा हो गया। आसमान में दिखाई दे रहा ये काला धुआं बड़खल स्थित उसी स्नैपसाई इंटरप्राइजेस कंपनी से निकल रहा है, जिसमें आज सुबह आग लग गई। बता दें कि ये कंपनी बड़खल में रियासी इलाके में अवैध रूप से चल रही थी, लेकिन ना तो इसकी ओर फायर ब्रिगेड का ध्यान गया और ना ही इसकी ओर फरीदाबाद प्रशासन का। ये कंपनी सैकड़ों लोगों की जान को जोखिम में डालकर धड़ल्ले से यूं ही चलती रही। आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के अधिकारी की माने तो आग की सूचना लगने के बाद वो चार फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के साथ मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कंपनी में पेंट बनाते हैं, इस कंपनी में आग लगी है। हमें टेलीफोन के द्वारा सूचना मिली है। जो हमें सूचना मिली, हम तुरंत चार गाड़ियों के साथ मौके पहुंचे हैं और आग को भी कंट्रोल कर लिया गया है। किस चीज की कंपनी है यहाँ पर? थिनर और पेंट बनाते हैं। तो क्या पता लगा आपको कि भाई यहाँ कितने लेबर काम कर रही थी या नहीं? यहाँ पर 6 आदमी काम करते थे और पेंट काम होता था। तो कितनी मशक्कत करनी पड़ी है आग बुझाने में? 5 गाड़ियाँ मौके पर लगी अभी और अभी काम चल ही रहा है। तो क्या अभी आग बुझ गई है या अभी लग रहे हैं? अभी आग बुझ चुकी है, अभी आग कंट्रोल में है। वहीं इस मामले में जब कंपनी संचालक से बात करने का प्रयास किया गया तो कंपनी संचालक ने कैमरे पर आकर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया और मीडिया की टीम को देखकर वो मौके से फरार हो गए। सत्य खबर के लिए फरीदाबाद से मनोज सूर्यवंशी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।